इस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C51 5G फ़ोन है, तो पोको C51 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स है, तो स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं पोको C51 5G फ़ोन में, और कैसे आप स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे पोको फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को सेट कैसे करें और कैसे आप शो कर सकते हैं स्टेटस बार आइकन्स में स्टेटस बार को, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हैं, सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्टेटस बार आइकन सेटिंग है, तो स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप शो कर सकते हैं स्टेटस बार आइकन्स को, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको बस यहाँ से स्लाइड करके जाना है नोटिफिकेशंस कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स पे। तो इस पर जाकर आप स्लाइड करते हैं तो स्टेटस बार का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें जाकर स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी आइकन्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं, ऑफ़ करते कोई भी आइकन स्टेटस बार पे शो नहीं करेगा, एंड आप इसको ऑन कर देंगे तो आइकन स्टेटस बार पे शो हो जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं। एंड आप कनेक्शन स्पीड को भी ऑफ़ कर सकते हैं, कोई भी कनेक्शन स्पीड आपके फ़ोन में शो नहीं होगी क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया, और आप इसको ऑन करते हैं तो कनेक्शन स्पीड भी आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेटस और कनेक्शन स्पीड को भी शो कर सकते हैं, एंड आप कैरियर डिवाइस को भी लॉक कर सकते हैं स्टेटस बार में, और आप चाहें तो बैटरी परसेंटेज को भी हाइड कर सकते हैं, कोई भी परसेंटेज शो नहीं करेगी, एंड आप इसको शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं और आपके स्टेटस बार पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं अपने पोको C51 5G फ़ोन में, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं पोको फ़ोन में। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।